शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी की उत्साहित प्लान से। दिल्ली में तीसरी बार बंपर जीत के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने की अब तैयारी कर रही है। पार्टी ने उसके संकेत दिए हैं और उसके लिए बाकायदा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। सब लोग अपने अपने गांव में फोन करके बोल देना, हमारा बेटा सीएम बन गया दोबारा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मनीष सिसोदिया, अखिलेश पति त्रिपाठी, राजेश ऋषि, गिरीश सोनी, दिनेश मोहनिया, अमानतुल्ला खान, अब्दुल रहमान, इमरान हुसैन, प्रीति तोमर, दिलीप पांडे, गोपाल राय, ये हैं आम आदमी पार्टी के उन 12 विधायकों की टीम जिनके जरिए अब आम आदमी पार्टी मिशन यूपी पर निकलने वाली है। इन 12 विधायकों की मदद से आम आदमी पार्टी ने यूपी में पार्टी के विस्तार का प्लान बनाया है, पर कैसे ये आप खुद सुनिए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, केजरीवाल के विकास का जो मॉडल है उसकी चर्चा अब पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी ने यूपी प्लान को जमीन पर उतारने की शुरुआत भी कर दी है। इसी के तहत सोमवार को दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके निशाने पर थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मूल के, यानी मूलतः जिनका घर उत्तर प्रदेश में है, ऐसे लगभग 12-13 विधायक दिल्ली में जीते हैं, तो पहले चरण में हम लोग उन सभी विधायकों का उनके गृह जनपद में एक अभिनंदन समारोह आयोजित करेंगे और वो तमाम हमारे दिल्ली के विधायक और मंत्री मीडिया के साथ, पत्रकारों के साथ, जनता के साथ केजरीवाल के विकास मॉडल पे चर्चा करेंगे कि केजरीवाल का विकास मॉडल क्या है। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल की नजर राष्ट्रीय राजनीति पर है। अगला लोकसभा चुनाव तो 2024 में होगा, लेकिन उससे पहले 2022 में यूपी में मजबूत विकल्प देकर आम आदमी पार्टी देश को बड़ा संदेश देना चाहती है। केजरीवाल ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दिल्ली पर काबिज होना है तो उसका रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। पूरे प्रदेश में एक महीने तक, यानी 23 फरवरी से 23 मार्च तक अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगा के रसीदे काट के मेंबर बनाया जाएगा, एक नंबर जारी किया जाएगा जिसपे मिस्ड कॉल दे के मेंबर बनाया जाएगा, एक वेबसाइट जारी की जाएगी जिस वेबसाइट पे अपना नाम दर्ज कराकर कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है आम आदमी पार्टी का। तो ये सदस्यता अभियान लगभग एक महीने तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा।